एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम, जो कि है नैनीताल के पास। तो सोचा आप सबको भी दर्शन करवा दिए जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम लोग जा रहे थे नैनीताल होते हुए एंड नैनीताल से कैंची धाम अप्रोक्स 20 किलोमीटर्स है एंड कैंची गाँव जो है वो भवाली से 8 किलोमीटर्स है एंड नैनीताल से भवाली 13 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों ने उसी अकॉर्डिंग प्लान किया था। एंड अगर आप लोग भी रात को पहुंच रहे हो वहां पर तो आपको भी वहां पे काफ़ी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। एंड हमने भी एक होम स्टे बुक किया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करती हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। यहां पे हम लोग चाय पीने रुके हैं और ये बन रही है हमारी चाय और ये अंकल बना रहे हैं हमारे लिए चाय। मम्मा मेरे को कैप दे दो भाई, बहुत सर्दी है। आप देख सकते हैं आगे कुछ भी नहीं दिख रहा और हमें अभी ना एकदम टॉप पे जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ से अगर कहीं टॉप का रास्ता दिखता है ना, वो टॉप का रास्ता दिखाती हूँ कि वहाँ तक जाना है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं देख सकते आप, हम जाएंगे गो वाला रूट आगे एकदम। और हमारी चल रही है चाय। Guys, आयो शंदू इधर आओ। इतना सुंदर व्यू रात का देखकर आंखों में बस चुका है जो कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बस ये व्यू एंजॉय करते करते हम लोग नैनीताल से कट लेकर भवाली पहुंचे एंड भवाली से हम लोग पहुंच गए थे कैंची धाम। एंड हमने वाया कॉल ही अपना होम स्टे बुक कर दिया था। तो अगर आप लोगों को भी रेफरेंस चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बिल्कुल मंदिर के पास में जस्ट 10 to 20 meters के डिस्टेंस में ही ये हमारा होम स्टे था जो कि हमने किसी के रेफरेंस से हम लोगों ने बुक किया था। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। एंड यहाँ पर आपको पार्किंग रूम्स अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा लोग आ रहे हो तो आपको उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। इतना टेम्परेचर है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये था हमारा रूम जो कि हमारे 6 to 7 people के अकॉर्डिंग था एंड काफ़ी क्लीन रूम था सारी फैसिलिटीज़ के साथ। तो बस हम लोगों ने बैग्स रखे और ये था हमारे कैंची धाम मंदिर जो कि आप देख सकते हो रात में मंदिर का व्यू। बिल्कुल हम लोग मंदिर के पास ही रुके थे तो इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम सुबह सुबह उठते सबसे पहले दर्शन करने वाले हैं बाबा जी के। और हम लोग यहाँ पर निकल गए थे खाना खाने के लिए एंड ये मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग जा रहे थे। तो अब हम लोग आए हैं खाना खाने श्री गुरुदेव भोजन गृह पर। यहाँ पे ना जहाँ पे हम लोग रुके उन्होंने बताया कि यहाँ पे 9 बजे सारे रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम लोग फटाफट से बस अपने बैग्स रखकर आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने। और बिल्कुल मंदिर के पास ही ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट, श्री गुरुदेव भोजन गृह। तो आप लोगों को बहुत ईजी भी बनने वाला है अगर आप कभी आने का प्लान करो तो। चलो अगर आप भी रात को पहुंच रहे हो तो ध्यान रखना कि 9 बजे से पहले आप लोग अपना खाना पीना खा के फ्री हो जाओ। हम लोग भी खा पी कर फ्री होकर बस सो गए थे एंड सुबह उठ गए थे 6 बजे रेडी होके दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह अपना रेडी होके आ गए हैं और निकलते ही देखा तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल स्टॉल्स लगी हुई है और शॉपिंग तो करेंगे कुछ ना कुछ। शॉपिंग देखते हैं यहाँ पे। चुंग चुंग चुंग। कोई भी ले लो।
अगर आप भी आ रहे हैं नीम करोरी दर्शन करने के लिए, तो आपको बता देती हूँ कि अंदर बाबा जी को कंबल चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे प्रसाद मिलता है चिरौंजी और चने का, और साथ ही आपको यहाँ पे बेसन के लड्डू मिल जाएंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में अंदर चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने प्रसाद तो ले लिया, अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू है। और जहाँ मंदिर हो वो तो जगह सुंदर होती ही है, आप नज़ारा देखो कितनी सुंदर जगह मंदिर स्थित है। और रोशनी हो चुकी थी, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो आपको बता देती हूँ कि जो मंदिर में आरती का टाइम है सुबह का वो है 7:20, 7:20 का टाइम है वहाँ का आरती का सुबह का। आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर कितना सुंदर दो पहाड़ों के बीच में स्थित है। और इसका इतिहास भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, अगर अभी आपको नहीं पता है तो आगे मैं आप सबको ये इतिहास भी बताती हूं। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर और यही द्वार से हम अंदर जाएंगे। ये परम पूज्य बाबा श्री नीम करोरी महाराज कैची धाम, यहीं से हम ये ब्रिज क्रॉस करके अंदर मंदिर तक जाएंगे। करोरी महाराज का मंदिर ये कैची धाम क्यों बोला जाता है? ये जो मंदिर है ये दो पहाड़ों के बीच में स्थित है, एक नदी से के थ्रू उसको चीरते हुए, इसलिए उसे कैची धाम बोला जाता है। ये जो नदी है ये शिप्रा नदी है जो दो पहाड़ों के बीच में से निकल रही है, एंड वहीं पे ये आश्रम बाबा जी का स्थित है, जो कि यहाँ पे पहले हनुमान मंदिर स्थित हुआ फिर यहाँ पे बाबा जी के भी आश्रम बना। तो ये है परम पूजा श्री नीम करोरी महाराज का मंदिर। मंदिर के बाहर ही हम लोग स्लीपर्स उतार चुके थे एंड अंदर जाकर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं था, कैमरा अलाउड नहीं था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बट बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने आरती ली, हनुमान जी के दर्शन करे, बाबा जी के दर्शन करे और सब अंदर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो देख कर तो और ज़्यादा सुकून मिल रहा था। बाहर आकर हम लोगों ने प्रसाद लिया जो कि था हमारे को चने का प्रसाद मिला था, और अंदर जो मंदिर में जाकर सुकून मिला ना, वो सुकून तो वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, इतना अच्छा लग रहा था अंदर जाकर। बस हम लोग दर्शन करके निकल गए थे, यही ब्रिज से हमें बाहर आना था, बस नीम करोरी महाराज की जय कर हम लोग आ गए और बाहर हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा था। नीम करोरी महाराज के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे नैनीताल की तरफ, तो अगला व्लॉग आप सबके साथ नैनीताल का रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलती हूँ मैं आप सबको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।